कच्छ जिला में दलित व्यक्ति पर हुमला की घटना पर राज्य सरकार ना मंत्री प्रदीप परमारे निवेदन आप्यू छे ने आ घटना पर राजकारण करता वडगाम थी अपक्ष ना धारासभ्य जिग्नेश मेवाणी पर निशान साध्यू छे। प्रदीप परमारे आडकतरी रीते मेवाणी पर निशान साधता कहूं कि कांग्रेस ना केटलाक दलित धारासभ्य प्रसिद्धि माटे मुद्दा उठावी रहा छे। सोशल मीडिया अने टीवी माध्यम थी सस्ती प्रसिद्धि मेळवा मुद्दो उठावामां आव्यो छे। 2022 की चूंटणी में दलितों वोट लेवा पोतानो धर्म बदल्यो, हवे बीजी पार्टी में जई 2022 ना स्वप्न जोई रहा छे अने तेथी ज सोशल मीडिया अने टीवी में आवी रहा छे। कच्छ जिल्लाना रापर तालुकाना वरणू गामे दलित समाजनी मंडळीनी जे जमीनमां एक मंदिर उभू करवामां आव्युं छे, ए मंदिरमां दलित समाजना लोको एक तारीखे प्रवेश करशे अने राज्यनी पोलीस अने राज्यनुं प्रशासन जो खरा अर्थमां दलितोनी साथे होय, रूल ऑफ लॉमां मांगतुं होय, कायदो ने व्यवस्थामां मानतुं होय, तो एक तारीखे दलित समाजना व्यक्तिओ मंदिरमां प्रवेश करे एनी पूर्वे ए जमीनोनो कब्जो सोंपावडावे, ए मंदिरमां प्रवेश करावडावे। अने समग्र गुजरातना दलित समाजने हुं अपील करुं छुं, गुजरातना जे पण जिल्लाना जे पण तालुकामां फाळवेली जमीनोना कब्जा ना होय, जे मंदिरोमां प्रवेश ना होय, ज्यां लांबी मूछ राखवा पर मनाई फरमावे, ज्यां घोड़े सवारी करवा उपर हुमलो करवानी दहशत होय, ज्यां कूवाओ खुल्ला ना होय, मंदिर खुल्ला ना होय, आवा तमाम किस्साओनुं अमने रिपोर्टिंग करो। કેટલાક કોંગ્રેસના દલિત આગેવાનો ધારાસભ્યશ્રીઓ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ટીવીના માધ્યમથી સસ્તી લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક તો એવા નેતાઓ છે કે ગઈકાલે કોંગ્રેસથી દૂર હતા, આવનાર 2022ના ઇલેક્શનની અંદર દલિતોના વોટ લેવા માટે દલિત સમાજના વોટ માટે પોતાનો ધર્મ બદલીને બીજી પાર્ટીમાં જઈને 2022ના જે 22ના ખ્વાબ જોયો છે એટલા માટે આજે સોશિયલ મીડિયામાં ને ટીવીમાં આવી રહ્યા છે।